हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे फोर्स एंड प्रेशर। उसमें कल हमने प्रेशर के बारे में डिस्कस किया। आज प्रेशर का ये टाइप्स पढ़ना है जिसमें हम लोग को केवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में जानना है। बाकी जो प्रेशर है ये हायर क्लासेस में हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रेशर पहला जो हम लोग देखेंगे वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नेक्स्ट है डिफरेंशियल प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर एंड गेज प्रेशर। बट हम लोगों के बुक में केवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में जानने की चर्चा की और उसकी एग्जांपल्स दी है। इसके पहले आप एसएसटी में भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं। क्या है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर? एक एनवेलप है हमारे अर्थ के ऊपर, एयर का एनवेलप लाइक स्ट्रक्चर। यहां मैंने बनाया है कि धरती है, इसके ऊपर एक आवरण है किसका? एयर का। और वो हमारे ऊपर एक प्रेशर एग्जर्ट करता है, दैट इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहां लिखा मैंने प्रेशर एग्जर्टेड बाय एयर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, दैट इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और यहां पे उसको मैंने लिखा वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितने के बराबर होता है, क्योंकि हम फील नहीं करते उसको, हमारे चारों तरफ से वो बराबर लग रहा है तो हमें ये पता नहीं चलता है कि इतना प्रेशर है। और उसकी जो एक वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 1,00,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इतना ज्यादा है। और ये कब पता चलता है? जब आप देखिए कभी कभी ये तेज आंधियां आती हैं तो हमारे ये खपरेल या छप्पर या टिन सेट उड़ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? जब एयर बह रही होती है, तेज हमारे जब चलती है तो हमारे जो ये सेट होते हैं घरों के ऊपर से जो प्रेशर इसके ऊपर पहले लग रहा था और अंदर से भी उतना ही प्रेशर, दोनों तरफ से बराबर था एटमॉस्फेरिक प्रेशर चारों तरफ, तो ये यहां पे रुका हुआ था। बट जब तेज हवाएं चलती हैं, मान लीजिए इधर से हवा चल रही है तेज, ये ऊपर का प्रेशर डिस्टर्ब हुआ थोड़ा भी, नीचे प्रेशर आप देखिए कितना ज्यादा है और ये इसको क्या करता है? उठा देता है। जैसे ही इनका रेशियो कम ज्यादा होता है, यहां पे कम हो गया, यहां वो उतना ही बना हुआ है, तो ये छप्पर क्या है ऊपर की तरफ उठ जाता है और हवा इसको उड़ा ले जाती है। इसी में आपने पढ़ा है हम लोग ये सी लेवल पे जो ये इसका वैल्यू है, ये कहां पे है? एट सी लेवल, समुद्र तल पर, वहीं से हम लोग मापते हैं इसको। जब हम धरती के नीचे की तरफ जाते हैं या धरती के ऊपर की तरफ जाते हैं तो आपने पढ़ा है कि ये प्रेशर ऊपर जाने पे कम होता है और नीचे जाने पे बढ़ता है, लेकिन एट सी लेवल प्रेशर की जो वैल्यू है वो कितना है? 1,00,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी प्रेशर के कारण जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं पहाड़ों पे, आपने पढ़ा है पहले या जाना है या जीके के माध्यम से जाना है कि हम ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाते हैं और प्रेशर को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि ऊपर जाने में जब वायु दाब कम होता है तो हमारे शरीर के अंदर तो प्रेशर ज्यादा और बाहर का वायु दाब कम, तो हमारी धमनियां फटने लगती हैं और नाक से खून बहने लगता है। या फिर जब धरती के नीचे हम जाते हैं तो हम विशेष प्रकार का सूट पहन के जाते हैं ताकि हम एयर प्रेशर को या जो प्रेशर लो और हाई हो रहा है उसको हम मैनेज कर सकें। तो ये था हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में। जो नेक्स्ट हम हमको पढ़ना है वो लिक्विड में प्रेशर, ठीक है? जो लिक्विड में प्रेशर है उससे संबंधित एक वैज्ञानिक पास्कल, आपने नाम सुना है पास्कल लॉ। क्या है पास्कल लॉ? ओके, पास्कल ने बताया कि व्हेन सम प्रेशर इज अप्लाइड टू एनी पार्ट ऑफ द लिक्विड, ए लिक्विड एंड यूनिफॉर्म प्रेशर गेट्स ट्रांसमिटेड ओवर द होल लिक्विड, ठीक है? जब कभी कोई प्रेशर हम उस पर डालते हैं तो बराबर उसमें प्रेशर फील करता है वो लिक्विड। और इसी से संबंधित ये 3-4 पॉइंट है वो आपको बताते हैं। जो ये लिक्विड का प्रेशर मापा जाता है वो एक युक्ति होती है यू से, उसे मैनोमीटर कहते हैं। ऐसे यू से होता है उसमें लिक्विड भरा होता है, इसी से इसको हम मेजर करते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? मैनोमीटर। आप लिख सकते हैं जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो बैरोमीटर, हम लोगों ने नाम सुना है, उससे मापा जाता है, और जो लिक्विड का प्रेशर है वो मैनोमीटर। एयर प्रेशर बैरोमीटर, लिक्विड प्रेशर मैनोमीटर। ये यू से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसमें लिक्विड भरा होता है और इसके हम मेजर इससे हम करते हैं और जानते हैं। जो लिक्विड के बारे में और कहा गया है वो ये बताया गया है, ये यहां पे कुछ पॉइंट है, प्रेशर इन लिक्विड इज ग्रेटर एट डेप्थ इज ग्रेटर। गहराई में जैसे जैसे हम जाते हैं लिक्विड का प्रेशर क्या होता है? बढ़ता जाता है।
इसमें एक आपके बुक में चित्र दिया हुआ है और उस चित्र में ये दिखाया है कि आप होल कर दीजिए, यहाँ पे कई होल कर दीजिए और इसमें कोई लिक्विड फिल कर दीजिए, ठीक है। और जब हम इन डॉट्स को निकालेंगे तो सबसे नीचे वाला देखेंगे कि वो ज्यादा दूर जा रहा है और सबसे ऊपर वाला कम। ये क्या बता रहा है कि नीचे की तरफ क्या कह रहा है, प्रेशर इन लिक्विड इज ग्रेटर, डेप्थ इज ग्रेटर। जैसे जैसे गहराई बढ़ेगी लिक्विड में प्रेशर वैसे वैसे ज्यादा होगा। और ये बता रहा है जो नीचे वाला ये होल है, जैसे इसका डॉट निकालेंगे प्रेशर नीचे की तरफ ज्यादा है तो ये पानी दूर जाके गिरेगा, ये बताएगा कि हाँ यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है। कभी कभी हम इसको देखने के लिए मुंह से कूदते हैं, जैसे हम दबाव डालते हैं ना प्रेशर, तो ये और तेज होके आगे जाने लगता है, ये पहला। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि सेम इन ऑल डायरेक्शंस। आपके बुक में वो फिगर दिया हुआ, एक हाइट पे आप चारों तरफ इसमें छेद कर दीजिए, होल कर दें, डॉट लगा दें और इसको फिल कर दें पूरा पानी को हम फिल कर दें। जैसे ही हम डॉट निकालेंगे सब तरफ पानी एक ही डिस्टेंस में जाएगा, मींस एक हाइट पे सेम इन ऑल डायरेक्शन, जो प्रेशर है सभी डायरेक्शंस में एक निश्चित हाइट पे बराबर हो। पहला ने कहा कि नीचे की तरफ डेप्थ की तरफ प्रेशर ज्यादा होता है, दूसरे में बता रहा है कि ऑल डायरेक्शंस में बराबर होता है, और तीसरा क्या कह रहा है, ग्रेटर द डेंसिटी ग्रेटर द प्रेशर एट सेम डेप्थ, घनत्व जितना अधिक हो, घनत्व तो क्या है पर यूनिट एरिया में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनसे वो मटेरियल बना हुआ है, डेंसिटी क्या है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट एरिया, अगर उसमें ज्यादा है डेंसिटी ज्यादा है, कम है तो डेंसिटी कम होगी। जैसे हम लोगों ने लिक्विड सॉलिड और गैस पढ़ा है, सॉलिड में देखिए जो मॉलिक्यूल्स है बहुत डेंस होते हैं, एक दूसरे से बहुत पास होते हैं, उसमें इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज्यादा होता है, लिक्विड में उससे कम और गैस में सबसे कम। आई मीन ये देखिए, मान लीजिए ये सॉलिड है लिक्विड है और ये गैस है, जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं एकदम एक दूसरे से डेंस जुड़े होते हैं, और क्यों जुड़े होते हैं ऐसा पाया गया कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इसमें सबसे ज्यादा है, इसकी डेंसिटी अधिक हो गई, यहाँ पे ये लिक्विड हो गया, यहाँ देखिए पर यूनिट एरिया मॉलिक्यूल्स की संख्या ज्यादा है डेंसिटी अधिक, पर यूनिट एरिया मॉलिक्यूल्स की संख्या कम है इसकी डेंसिटी इसके अपेक्षा कम, और गैस में सबसे कम, यहाँ पर यूनिट एरिया में जो मॉलिक्यूल्स है सबसे कम, तो इसलिए यह कह रहा है कि ग्रेटर द डेंसिटी ग्रेटर द प्रेशर है सेम डेप्थ, अगर घनत्व ज्यादा है तो सेम डेप्थ पर मतलब उसी गहराई पर प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा। ये हमारा था आज का टॉपिक, थैंक यू।